श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय हंसनी फिर स्वप्न में दिखाई दिए हैं। हंसनी याद होगा, हंस को कहती है मैं ब्रह्मज्ञानीश महात्मा के दर्शन करना चाहती हूं। दर्शन हुए, हंसनी पूछती है प्रिय क्या इसी बैलगाड़ी हांकने वाले को आप ब्रह्मज्ञानी कहते हो आत्मज्ञानी कहते हो? हां यह आत्मज्ञानी है, यह ब्रह्मज्ञानी है। प्रिय यदि ऐसा ना होता तो राजा के कहने पर उसके दरबार में जाता, जाके वहां खाली हाथ तो कोई नहीं लौटता, बहुत कुछ मिलता है, ढेर सारे उपहार मिलते, प्रलोभनों में फंस जाता, लेकिन ये प्रलोभनों में फंसा नहीं है। अतएव यही आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महात्मा रत्व है। स्वप्न टूटा, राजा सुबह तैयार हो गया है इस महात्मा के दर्शनों के लिए। मंत्री साथ लिए हैं, सेवक साथ लिए हैं, उपहार साथ लिए हैं, बहुमूल्य वस्तुएं साथ ले ली हैं। राजा इन सब सहित महात्मा की कुटिया के समक्ष पहुंचे हैं। ऐसा लगा जैसे कुटिया के सामने राज दरबार स्थापित हो गया है, छोटा राज दरबार। दोनों के लिए सिंहासन लग गई, एक महात्मा जी के लिए दूसरे राजा के लिए। एक तरफ राजा ने सारे के सारे उपहार रख दिए हैं, बहुमूल्य उपहार। प्रणाम हुआ, कहा महात्मन ये सब उपहार स्वीकार कीजिएगा और मुझे उपदेश दीजिएगा। ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने उपहारों की ओर देखा तक नहीं और कहा इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं राजन, इन्हें आप ले जाइए, आप प्रजापालक हैं, आप इन्हें प्रजा के लिए प्रयोग कीजिएगा, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। रही उपदेश की बात, आपने देखा जिस वक्त आप आए थे तो मैं बैलगाड़ी तैयार कर रहा था, मुझे आज किसी ग्राहक के सामान ढूंढने के लिए मेरी बुकिंग है, मुझे वहां जाना है, आप कभी फिर पधारिएगा। ऐसा कह के तो राजा को टाल दिया। राजा ने भी ऐसा समझा कि मुझे टाल दिया गया है, मैं राजा बन के गया था एक महात्मा के दरबार में, विशेष बन के गया था एक
के श्री चरणों में मुझे उनकी चरण स्वीकार नहीं हुई, मुझे उन्होंने स्वीकारा नहीं है, मुझे उन्होंने वापस लुटा दिया। महात्माओं को नहीं साधकों परमात्मा को भी विशेष अच्छे नहीं लगते, विशिष्ट अच्छे नहीं लगते, आगे आगे होने वाले अच्छे नहीं लगते। ये यूं समझिएगा कि संतों महात्माओं का बड़प्पन है, परमात्मा का बड़प्पन है या उनकी कमजोरी है, आप जो मर्जी कहिएगा, लेकिन ये परम सत्य है। उनको विशेषता बिल्कुल पसंद नहीं, जो विशेष बनना चाहते हैं, विशेष कहलवाना चाहते हैं, विशेष अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वह समझ लीजिएगा कि वह महात्माओं से बहुत दूर हैं, वह परमात्मा से बहुत दूर हैं। मन ही मन महात्मा ने कहा होगा, राजन ये सब चीजों की व्यर्थता जब आपको स्पष्ट हो जाए फिर आइएगा। ऐसी बातें कई दफा बिन बोले भी साधक समझ जाता है, एक इतना बड़ा इंजेक्शन होता है ये, बिन बोले ये संत सब कुछ कह देता है, ये इतना बड़ा इंजेक्शन उसे लगा दिया। जब इन सब चीजों की व्यर्थता स्पष्ट हो जाए तो राजा मेरे पास उपदेश के लिए आना, घर चला गया है, मुंह लटका के घर चला गया है राजा। जाके मन में बड़ी गलानी है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, संतों महात्माओं के परमात्मा के दरबार में बंदा बड़ा बन के नहीं जाता, वहां उसे स्वीकृति नहीं मिलती, जैसा आज मेरे साथ हुआ। मुझे विनम्र बन के जाना चाहिए था, मुझे याचक बन के जाना चाहिए था, मुझे फरियादी बन के जाना चाहिए था, मुझे एक भिक्षु बन के भिखारी बन के जाना चाहिए था, तब मैं उस दरबार से कभी खाली न लौटता, मेरी झोली में कुछ ना कुछ जरूर महात्मा ने डाला हुआ होता। आज अपना राजसी वेशभूषा इत्यादि सब उतार दिए, आज शिष्य बन के तो गए, जाके क्या देखते हैं, बैलगाड़ी चलाने वाला महात्मा घर आए, साधक जी ने चोट लगी हुई थी, चोट लगी कि मुझे महात्मा ने इतने बड़े राजा को इस प्रकार से दुत्कार के भेज दिया है, खाली हाथ भेज दिया है, घर आके भी क्षमा मांगी, गलानी हुई, मन ही मन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसी भाव में कि मैं आज से उनका शिष्य बन गया हूं, इसी भाव में महात्मा ध्यानस्थ हो गए, सो गए। रात को देखा महात्मा किसी ग्रह का सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी में जा रहे हैं। मन ही मन सोचा, देखो अपना पुरुषार्थ, अपना कर्तव्य कितना भी गंदा है, किस प्रकार का भी है, महात्मा निभा रहा है, मैं ढेर सारे उपहार दे रहा था, उस पर दृष्टि नहीं डाली इन्होंने। मन में बहुत उच्च भाव जो है वे आ रहे हैं, ये किस बात के प्रतीक है, मानो मन से अहंकार निकल रहा है, मन को अति गंदा करने वाला, मलिन करने वाला एक दोष उसका हल्का हो रहा है, दूर हो रहा है, अतएव इस वक्त डांट लगा के दुत्कार के तो उसे अधिक गहनशील बना लिया है। अब महात्मा के पास पहुंचे हैं, जब महात्मा के पास पहुंचे हैं तो आज महात्मा ने उन्हें बड़े आदर भाव से, आइए राजन पधारिए, कैसे आए हैं, बिठाया, कहा महाराज राजन नहीं, आपके द्वार पर भिखारी बन के आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा। आज सुन सुन की महात्माओं की बातें, कल के राजा में और आज के राजा में फर्क था, एक दिन की दृष्टि मात्र से, संत की दृष्टि मात्र से उनके अंदर इस प्रकार का परिवर्तन जो है वह आ गया। सोचिए संत महात्माओं की दृष्टि को परमात्मा की दृष्टि न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, इतना अंतर आ गया है। राजा नहीं, आपका शिष्य हूं, आपका सेवक हूं, आपके दरबार का भिखारी हूं महाराज, मुझे स्वीकार कीजिएगा, मेरी झोली में भिक्षा डालिएगा।
उपदेश दीजिएगा। अपने पास बिठाया है, उपदेश शुरू किया है। कह रजन, वह परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, वह देवाधिदेव एक है, द सुप्रीम बीइंग, द एब्सोल्यूट बीइंग, जो हमारे प्राणों को प्राण देता है, वह परमात्मा। महात्मा उपदेश दे रहे हैं देवी सचन, जो हमारे प्राणों को प्राण देता है वह परमात्मा। मानो जो हमारा जीवन दाता है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, वह परमात्मा। जो सूर्य को तेज प्रदान करता है वह परमात्मा। जो चंद्रमा को ज्योत्सना प्रदान करता है वह परमात्मा। जो हमें जीवन दान देता है वह परमात्मा। जो अग्नि को दाहक शक्ति देता है वह परमात्मा। जो फूलों को सुगंध देता है, सौंदर्य देता है, वह परमात्मा। बहुत दूर होता हुआ भी हमारे बहुत पास है। क्यों? राजन, वही हमारा आत्मा है, वही परमात्मा ही हमारा आत्मा है। बहुत दूर होते हुए भी हमारे बहुत समीप है। हम सबको उसी अतुल्य परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। राजा हाथ जोड़ के कहता है, शिष्य, राजा नहीं, शिष्य हाथ जोड़ के कहता है, गुरु महाराज, मैं आपका दिया हुआ उपदेश समझ गया। हमें उस परमात्मा की, जो सर्वे सर्वा है, जो सर्वोपरि है, जो सर्वोत्कृष्ट है, जिस जैसा ही कोई नहीं, तो उससे बड़ा और कौन होगा, हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। मेरे प्रभु, ये उपासना कैसे करनी चाहिए, मेहरबानी करके मुझे ये भी बताइएगा। गुरु महाराज अपने शिष्य को उपासना कैसे करनी चाहिए बड़े संक्षिप्त शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं, जिस प्रकार अनेक छोटी छोटी नदियां, नाले गंदे मंदे होते हैं, ये सब गंगा जी में मिलके तो गंगा बन जाते हैं। छोटे छोटे नाले, नालियां, जहां जहां भी आप देखो, ये कभी और थोड़े बड़े के माध्यम से जब गंगा जी में मिल जाती हैं, तो गंदी नालियां नहीं रहती। जो छोटे छोटे नाले नदियां बने हैं, वे नहीं रहते, वह गंगा जी में मिलके तो गंगा जी हो जाते हैं। वही गंगा इन्हें अपने पास भी नहीं रखती, अपने साथ भी नहीं रखती, अपने साथ ले जाती है इन्हें गंगा बना के, इनका रूप रंग, इनका नाम इत्यादि खत्म कर देती है। अब ये गंदी नाली नहीं रहे, गंदी नाली का नाम गंदी नाली, आप कहते हो ना ये अमुक नाला है, वह नाम रूप गंगा जी में मिलके सब खत्म हो जाते हैं। जब तक साधक जन ये खत्म नहीं होते, तब तक गंगा नहीं बन सकते। अब उन्होंने एक नाम मिल गया उन्हें, गंगा। अब ये सब गंदे नदियां, नाले इत्यादि गंगा जी में मिलके तो गंगा बन गए हैं। गंगा इन्हें क्या करती है? गंगा इन्हें सागर के पास ले जाती है। सबको, जो भी गंदे मंदे नाले, छोटे बड़े नाले गंगा जी में मिले, सबको सागर में चला के लीन कर देती है। ठीक इसी प्रकार से भक्त शब्द बदलते जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से भक्त विश्व से अपनी इंद्रियों को समेट के तो मन में लीन करना चाहिए, मन में इनका लय हो जाए। इस मन को तब परमात्मा में तल्लीन करो तो ये उपासना का ढंग है। इन इंद्रियों को देवियों सज्जनों, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हम इंद्रियों पर अंकुश नहीं लाते, हम मन की परवाह नहीं करते, और बातें करते हैं हम परम शांति की, बातें करते हैं हम परमानंद की, बातें करते हैं हम आत्म साक्षात्कार की और परमात्मा के साक्षात्कार की। ये कभी संभव हो सकेगा? आपका क्रम ही ठीक नहीं है। अपने इंद्रियों को पहले विषयों से खींचिएगा, मन में लाके तो उन्हें रोकिएगा। मन आगे का खेल खेलेगा, मन
इस प्रकार का मन जो हो जाएगा, वह जब परमात्मा में तल्लीन हो जाएगा, तो ये उपासना की विधि है। तत्वबोध सकार की उपासना पूजा साधक जनों बहुत आसान है। ठाकुर की पूजा बहुत आसान है, वे सामने दिखाई दे रहा है। आपका परमात्मा अव्यक्त आपको दिखाई नहीं देता। अव्यक्त की पूजा उपासना बहुत कठिन है, लेकिन पहुंचना तो सबको वही है। सकार की उपासना से उपासना खत्म नहीं हो जाया करती, ठाकुर की उपासना से उपासना खत्म नहीं हो जाया करती। यदि ऐसा होता तो रामकृष्ण परमहंस के लिए मतेश्वरी तोतापुरी को कभी न भेजती। यदि उसकी उपासना से रामकृष्ण परमहंस का गुजारा चलता, बस यही सब कुछ है, दिस इज द अल्टीमेट, तो मां उसके पास परम गुरु तोतापुरी को कभी ना भेजती। मंदिरों की पूजा, ठाकुर की पूजा अल्टीमेट नहीं है। आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। तोतापुरी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनका तदात्मन ठाकुर के साथ इतना था, मातेश्वरी के साथ इतना था, यहां चोटें मारनी पड़ी रामकृष्ण परमहंस के कि इसका तदाम किस ढंग से टूटे और ये आगे बढ़े। उस निराकार की ओर, उस सुप्रीम बीइंग की ओर जो मेरे से भी आगे है। मैं शक्ति हूं, लेकिन शक्तिमान तो उससे बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। और जब तक शक्तिमान की प्राप्ति नहीं होती साधक जनों, तब तक उपासना पूरी नहीं होती। तो इसके साथ ही समाप्त।